SD कार्ड का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड, जिसे हम आम भाषा में मेमोरी कार्ड भी कहते हैं, जिसका यूज हम डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं, जैसे कि फोटो, वीडियोस और फाइल्स। और इस तरह के मेमोरी कार्ड का प्रयोग ज्यादातर मोबाइल उपकरण में किया जाता है, या फिर डिजिटल कैमरा या फिर DSLR कैमरा में प्रयोग किया जाता है। SD कार्ड के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन SD कार्ड के टाइप्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि SD कार्ड के कितने प्रकार होते हैं। SD कार्ड के तीन कार्ड होते हैं, सबसे पहला SDSC, दूसरा SDHC और तीसरा SDXC। अब तीनों को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। SDSC कार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल स्टैंडर्ड कैपेसिटी, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर मोबाइल डिवाइस में किया जाता है, और इस टाइप के मेमोरी कार्ड की स्टोरेज 128 MB से लेकर 4 GB तक होती है। यानी जितने भी SD कार्ड 128 MB से लेकर 4 GB तक होते हैं, वो SD कार्ड नॉर्मल SD कार्ड कहलाते हैं। SDHC कार्ड, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी, इस टाइप के मेमोरी कार्ड में स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। यानी SDHC की कैपेसिटी 4 GB से लेकर 32 GB तक होती है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी मेमोरी कार्ड है वो 4 GB से लेकर 32 GB के बीच है, तो वो मेमोरी कार्ड SDHC कैटेगरी का मेमोरी कार्ड होता है। SDXC कार्ड, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी, ये थोड़े महंगे होते हैं और इसकी स्टोरेज 64 GB से लेकर 2 TB तक होती है। यानी अगर आपके पास कोई भी मेमोरी कार्ड है और वो मेमोरी कार्ड 64 GB से लेकर 2 TB के बीच है, तो वो SD कार्ड SDXC टाइप का मेमोरी कार्ड होता है। अब जानते हैं SD कार्ड में क्लास क्या होता है। SD कार्ड में क्लास का मतलब होता है स्पीड से, यानी कि SD कार्ड की रीड और राइट की स्पीड क्या है। सिंपल भाषा में कहे तो आप मेमोरी कार्ड में जो भी डेटा स्टोर करते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, या फिर आपके मेमोरी कार्ड से डेटा को भेजते वक्त कितनी स्पीड से जाता है, ये सब मेमोरी कार्ड के क्लास के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपका मेमोरी कार्ड क्लास 2 का है, तो उसकी रीड और राइट स्पीड 2 MBPS होगी। अगर वो क्लास 4, 6 या 10 का होगा, तो उसकी स्पीड 4 MBPS, 6 MBPS या 10 MBPS होगी। क्लास 10 SD कार्ड के बाद आता है UHS-1, UHS-3, जिसका मतलब होता है अल्ट्रा हाई स्पीड। यानी अगर आपको अपने मेमोरी कार्ड या फिर SD कार्ड की स्पीड 10 MBPS से ज्यादा चाहिए, तो आप UHS-1, UHS-3 टाइप क्लास का मेमोरी कार्ड ले सकते हैं। इन मेमोरी कार्ड का प्रयोग ज्यादातर 4K कैमराज में यूज किया जाता है।